हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबको फिर स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी सूख चुका है वो जो नलकुआं से जो ऐसे जो मार्केट जो पानी लाते हैं उसका इंदारा तो वो बोलते हैं जो हम दिखाएंगे वो लाते हैं उसका पानी अभी से सूखना चालू हो गया है। वो सूख जाता है पूरा 10-15 मिनट तक अगर वहाँ पे वेट करोगे तभी जाके पानी आता है। तो ऐसा सूख जाता है तो हम वो जो कुआं है उस कुआं से हम पानी लाते हैं, वो भी आपको हम आज दिखाएंगे। और हमारा गांव का भी कुछ व्यू आपको दिखाएंगे कि हमारा गांव कैसा दिखता है, कुछ घर जो दिखता है ऊपर से वो भी आपको हम दिखाएंगे। मनीषा कहीं गोला? मनीषा हाय करी दे। कहाँ गया था? बाहर ही खेलता रहता है मनीषा। हाय करी दे। बाबू तो ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है हमारा घर, आप देख सकते हैं। और इधर भी है बहुत सारा घर जो कि ये हमारा गांव है। और इस तरफ भी बहुत सारा है घर, आप देख सकते हैं। हम दूसरी कैमरा से आपको दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा घर बाहर से। वो बाहर का कलर हमने नहीं दिया है, कलर देंगे उसको। अभी घर का अंदर का काम नहीं हुआ है तो अभी हम आपको दिखाएंगे वो जो पानी सूख गया है। तो सब बाल्टी साफ नहीं नहीं सब नहीं सब महिमा आने मोनिका बाल्टी ना यह हमारे चाचू लोगों का घर है तो वो यहाँ पे नहीं है, वो हम काम गए हैं। वो पूरा वहाँ पे रह के काम करते हैं, 3-4 महीना काम करने के बाद आएंगे फिर घर। और मेरा पीछा किया है टिकली 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 उठ टिकली टिकलू 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 या टिकलू 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 उठ गुना दिखाओ। देख सकते हैं आप यहाँ पे पानी अभी सूख चुका है और पानी नहीं निकल रहा है। तो अभी से ये सूख चुका है पानी तो हमारे गांव में भी बहुत सारा गांव में रहते हैं तो उनको बहुत ही तकलीफ होता है पानी लेने के लिए। और हम जो ये सूख जाता है तो कहाँ से पानी लाते हैं हम आपको दिखाएंगे। वो कुआं है इधर से आधा किलोमीटर के दूरी पर है तो उधर से हम पानी लाते हैं। लेकिन इसको हम अभी मार रहे हैं तो ये नहीं निकलेगा, ये सूख चुका है आप देख सकते हैं पानी नहीं निकल रहा है, पूरा सूख चुका है। और यहाँ पे पानी लेने के लिए बहुत सारे बच्चे भी आए हैं और यहाँ पे मोनिका भी आया है बाल्टी पकड़ के, और भी बहुत सारे आते हैं। लेकिन वो अभी जानते हैं कि ये सूख चुका है तो वो घर पे ही वो वेट करते हैं और थोड़ी देर के बाद घर से ही पानी लेने के लिए लाते हैं। और यहाँ पे इतने जन पानी लेने के लिए आए हैं और यहाँ पे बस इतना ही पानी निकला है, इतना ही निकला है पानी और ये सूख चुका है पानी। तो हमारे जो मोनिका है वो भी बहुत वेट करेगा और लेगा पानी। तो मोनिका को हम नहीं भेजते हैं पानी लेने के लिए, वो खुद चला आया है। उसके जो ये इनके साथ वो खेलती है इसीलिए उनके साथ वो चला आया है पानी लेने के लिए। तो अभी हम यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर से हम जो पानी लेते हैं, धूप के मौसम में सूख जाता है ये। तो उधर का हम आपको दिखाएंगे, उधर एक कुआँ है तो उधर से हम पानी लाते हैं। तो अगर वो भी सूख जाता है तो इसमें ही हमको चलाना पड़ता है और रात रात में पानी। और वहाँ पे टिकली आगे आगे चला गया है।
टिकली तू टुकलू 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 चल उनके चल चल। तो अभी मैं और टिकली साथ में जा रहे हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर है हमारे गांव से, और उधर से हम यहाँ का पानी तो सूख जाता है तो उधर से हम पानी लाते हैं। टुकलू 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 तो मैं पहुंच गया हूँ उस जगह जहाँ से हम पानी लेते हैं। उधर से अगर सूख जाता है पूरा तो यहाँ पे आके हम पानी लेते हैं। तो उस जगह मैं पहुंच चुका हूँ और आपको मैं अभी दिखाऊंगा। और ये है इसी से हम पानी लेते हैं। धूप के मौसम में उधर सूख जाता है तो इसी से पानी लेते हैं। और थोड़ा इस बार गंदा गंदा हो गया है, थोड़ा गंदा गंदा दिख रहा है। टिकली नीचे गिरेगा, इधर आ इधर आ इधर आ टुकलू इधर आ इधर आ, गिरेगा नीचे। तो ऐसा है पानी, ये भी थोड़ा गंदा हो चुका है इस साल, पत्ता गिर गया तो ये गंदा गंदा थोड़ा दिख रहा है। लेकिन यहाँ से इसको ही लेके हम पीते हैं, उधर में उसको क्लीन करके इधर का पानी ही लेना पड़ता है हमें। तो अभी मैं घर की ओर जाता हूँ। तो हमारा टिकली को बांध के नहीं रखते हैं, अगर बांध के रखेंगे चेन से तो उसको बुरा लगेगा कि वो बाहर भी घूमे, इसीलिए हम छोटे से ही उसको बाहर हम घुमा रहे हैं। टिकली कुत्तू टुकलू जा टुकलू 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 जा टुकलू जा चल। अभी भी वहाँ पे बच्चे लोगों हैं और हमारे मोनिका भी है वहाँ पे, अभी तक उनको पानी नहीं निकला है, अभी तक नहीं हुआ है पानी पूरा, आधा घंटा से भी ज़्यादा होगा, एक घंटे के आसपास है। तो वहाँ पे इतना देर तक वेट किए हैं यहाँ पे। मोनिका पानी नुहे बाहर, चल चल बाल्टी पकड़ घर, ऐसे ही जाते हैं बाद में आना। तो अभी भी पानी नहीं निकला है यहाँ पे, बस थोड़ा सा ही निकला है। तो अभी हम घर जाते हैं, बाद में मोनिका आएगा पानी लेने के लिए। टिकली कुत्तू टुकलू टुकलू जा टुकलू। और यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं मोनिशा की माँ। आना सुबह गिड़ी चबाए में सफा चबाए में। और ऊपर चढ़ के थोड़ा आपको हम दिखाते हैं, अभी तो धूप का मौसम है तो पत्ते सब झड़ चुके हैं तो गांव भी अच्छे से दिखेगा ऊपर से। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, तो ये हमारे गांव जो पीछे का साइड है उधर से मेन रोड है और रेल जो चलता है उसका रोड भी है उधर, और उधर पूरा चारों तरफ पहाड़ है और इधर भी है चारों तरफ। और ये हमारे गांव है, यहाँ से ही जंगल है, पूरा जंगल और पहाड़ है। खाली एक ही गांव है हमारे यहाँ पे जो बाबूपाली है, यहाँ पे अंदर और गांव नहीं है, उधर बहुत दूर है, एक डुड़का कूद बोलते हैं।
और ये बड़ा बड़ा पहाड़ है, और ये हमारा गांव है, और वहां पे मोनिका है, मोहिमा भी है और मोनिशा भी है वहां पे। ऐसा करके गांव है और वहां से रोड गया है यहां से, ऐसा करके वो छोटा सा रोड गया है हमारे गांव से उधर मेन रोड, और वहां से उधर टाउन है बहुत दूर है संबलपुर, और इधर है कोटक भुवनेश्वर गया है इधर रोड। और ये हमारा नीम का पेड़, और वहाँ पे मनीषा की माँ वो साफ सफाई कर रहा है। अभी अंदर चलते हैं तो आपको दिखाएं कि हमारे यहाँ पे जो पानी की बहुत ही असुविधा होती है धूप के मौसम में, बहुत ही कम मिलता है पानी पीने के लिए, और सूख जाता है तो वहाँ कुआं से हम पानी लाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है धूप के मौसम में। तो ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और हमारे गांव भी आपको हम दिखाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।